अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। जनाब आज हम बना रहे हैं भिंडी। ये भिंडी मैंने काट ली है और ये जो है टमाटर हैं तकरीबन के 1.5 पाव के करीब टमाटर मैंने काट लिए हैं और ये 1.5 पाव के करीब ही जो है प्याज है ये भी काट लिया और साथ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम चलते हैं जनाब पकाई की तरफ। ये इस पतीले में हमने ऑयल डाल लिया और इसको सही तरह जो है गर्म किया और इसका जब कलर सही चेंज हो जाएगा, सही तरह गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे भिंडी। अब इसमें डालना है प्याज। प्याज की सही तरह जो है ना पकाई करेंगे तकरीबन लगभग जो है 5 मिनट के करीब इसको हम सही तरह पकाएंगे। इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद फिर इसको ओपन करेंगे। लो जी प्याज हमारा जो है तकरीबन ब्राउन होने के करीब करीब पहुंच चुका है। थोड़ी देर इसको जो है ना हिलाते रहेंगे ताकि जल ना जाए। माशाल्लाह प्याज हमारा जो है ब्राउन होने के करीब तकरीबन पहुंच चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जो है ना सही तरह इसके अंदर गल जाएंगे और प्याज भी जो है ना हमारा हो जाएगा सही। थोड़ा थोड़ा ब्राउन था, फुल प्याज तैयार नहीं था और इसके साथ ही जैसे टमाटर होंगे इसके साथ ही जो है ना हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। लो जी माशाल्लाह हमारा जो मसाला पकाई के तकरीबन बराबर हो चुका और अब इसमें जो ना शामिल कर देंगे कुछ मसाले वगैरह। मसाले जो है ना बिल्कुल सादा खाना है। इसमें हमने मिर्च डाली है 2 चम्मच और हल्दी और नमक अपने हिसाब से ज़रूरत डालना। नमक डाल के तो इसमें थोड़ा सा और हम इसको जो है ना पानी ऐड करके तो इसमें थोड़ा सा और पकाएंगे, मसाला जो ना हमारा फुल तैयार हो जाए। टमाटर और प्याज जो ना ये आपस में गुल मिल जाए, बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। इसकी थोड़ी सी और पकाई करेंगे। माशाल्लाह भी हमारा तैयार हो गया मसाला। इसमें हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी डाल के इसको हमने ना सारे को मिक्स कर देना मसाले में आराम से ताकि हमारी भिंडी जो है ख़राब भी ना हो, गले भी ना। और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मसाले में मिक्स कर देंगे। लो आज हमारा जो हम भिंडी इसमें होगी मिक्स मसाले में, इसको अब हम ढक देंगे तकरीबन कोई 5 मिनट के लगभग। इसको एक बार फिर जो है हिलाएंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता आराम से ताकि नीचे से लग भी ना जाए, जले भी ना।
अब हम इसकी बुनाई करेंगे जो ना दम दे के, और इसको हिलाना भी चमचे इस तरह के आराम से हिलाना ताकि भिंडी जो ना गोल ना जाए आपस में, इसी तरह साबित ही रहेगी। हल्की आंच पे बिल्कुल जो ना आप एक बार इसको फिर पकाएंगे, हम हल्की आंच पे ढक देंगे ऊपर से। माशाल्लाह ये देखें हमारी भिंडी जो है ना कैसे रंग पकड़ रही है। अब थोड़ी सी और कच्ची है, हल्की सी, थोड़ा सा टाइम और लेगी, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा पका के। तो माशाल्लाह अब ये जो है ना तैयारी के बिल्कुल करीब। माशाल्लाह ये देखें गली भी है और बेहतरीन हो गई ये भिंडी हमारी जो है ना, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई। ये देखें साबुत भिंडी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह रेसिपी है, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को।